नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होती है तो जम्मू बंद करवाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये चैलेंज चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लिया है। 22 सितंबर यानी बुधवार को बंद रहेगा। बंद रहेगा जियो मार्ट्स के खिलाफ, जो जियो के आउटलेट्स खुल रहे हैं 100 से ज्यादा, उन आउटलेट्स के खिलाफ बंद रहेगा। समर्थन भी मिला और कुछ लोगों ने अपने आप को किनारे भी किया है। लेकिन आज भी अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी ने भी उनका खुलकर समर्थन किया है। अगर हम पैंथर्स पार्टी के पूर्व नेता बलवंत सिंह मनकोटिया की बात करें, जो फॉर्मर MLA भी रह चुके हैं, उन्होंने भी खुलकर समर्थन किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, कॉरपोरेटर, जो इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर, जो शहर के बीच में से बिना किसी सियासी जमात की टिकट लिए जीत कर आए हैं, उन्होंने भी बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कहीं ना कहीं समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन साथ ही साथ ट्रांसपोर्टर्स ने भी आज उनको आईना दिखा दिया। ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना था कि जब जब हमारा स्ट्रगल होता था, जब जब हम अपने मुद्दों को लेकर के हड़ताल करते थे, तब चैंबर ऑफ कॉमर्स पीठ दिखाता था। इस बार चैंबर ऑफ कॉमर्स को हम भी पीठ दिखाएंगे। हालांकि उन्होंने बीच का रास्ता इख्तियार किया है कि अभी तक कोई उनसे बात करने नहीं आया है, लेकिन उनका यह तर्क है कि दो वेव्स, COVID-19 Wave 1, COVID-19 Wave 2 के दौरान ट्रांसपोर्टर्स को बड़ा नुकसान हुआ। वक्तन वक्तन उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन उसी संघर्ष के दौरान चैंबर ने पीठ दिखाई। पहले ट्रांसपोर्टर्स की बात करते हैं। तो लोगों का यकीन खत्म हो गया, गाड़ियां खड़ी होने के लिए तैयार हो गई है। हम एक से हड़ताल करते हैं, चार दिन काम करते हैं, उसके बाद हमें हड़ताल करते हैं, सॉरी कहाँ मिलेंगे। अरे साहब, कोई बात उनकी नहीं हुई है और ना ही हम मतलब कि हमें उन्होंने बुलाया है। जिस टाइम बुलाएंगे उस टाइम हम बात करेंगे उनके साथ और फिर बात आगे बढ़ेगी। अदरवाइज हम इस टाइम तक हम हड़ताल पर जाने के मतलब हमारा कोई इरादा नहीं। दर्शकों, इंडस्ट्री वालों ने पहले ही मना कर दिया था। और अगर हम बार एसोसिएशन की बात करें तो बार एसोसिएशन ने आज मीटिंग करनी थी, लेकिन बार एसोसिएशन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, 1 बजे वो अपना निर्णय सुनाएंगे। लेकिन जो ट्रांसपोर्टर्स और बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच में बैठक हुई है, वो बड़े ही कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हुई है और अच्छे एटमॉस्फेयर में हुई है। उससे लगता है कि कहीं ना कहीं वो कन्विंस्ड हैं। लेकिन वक्त बताएगा कल 1 बजे वो क्या फैसला लेते हैं। लेकिन आपको बताते चले कि जो इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर्स हैं, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इट मींस कि वो इसके समर्थन में है और खुलकर समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वाइन ट्रेडर्स हों, चाहे दूसरे ट्रेडर्स हों, आज बार की भी उन्होंने बात की कि बार्स बंद कर दी गई, पहले लीकर्स बंद कर दिया गया, उसके बाद रेत बजरी जो माइनिंग है उस पर भी इसका असर पड़ा। देखते क्या कहना है। जो मिडल गली गली मोहल्ले मोहल्ले में दुकानदार हैं, जो मेन बाजारों में दुकानदार है, या बूट वाला क्या, रेडीमेड गारमेंट वाला क्या, मोबाइल वाला क्या, या इलेक्ट्रिक दुकानदार वाला, जितने मेन दुकानदार हैं, आज की डेट के अंदर जो 100 रिलायंस कंपनी स्टोर जब जम्मू में खोलेंगे, ये दुकानदार टोटली ख़त्म हो जाएंगे। और हमेशा इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर ने जम्मू के मुद्दों की और जम्मू के डोगरों की हक की बात की है, मगर जब यूटी गवर्नमेंट के दौरान जब से कोविड आया है, हमेशा 2 साल हो चुके हैं यूटी सरकार बने हुए और कोविड को भी 2 साल हो चुके हैं, तो नए नए ये आर्डर निकालने हैं। दर्शकों, बलवंत सिंह मनकोटिया कद्दावर नेता है, उधमपुर से जीत के आए थे। उनका भी ये मानना है कि कहीं ना कहीं वो समर्थन कर रहे हैं, पूरी तरह व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। आज यहाँ हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, व्यापार मंडल की तरफ से और बाकी दूसरे जो बिजनेस के दायरे हैं, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है कि 22 तारीख को हम इसके विरोध में बंद करेंगे।
के जो बड़े व्यापारी हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो बड़े व्यापारी हैं वो आके हमारा बिजनेस यहाँ पे कैप्चर करने की जो कोशिश कर रहे हैं उसके खिलाफ जो है यहाँ बंद का आह्वान किया गया है। दर्शकों, अगर अपनी आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन्होंने भी साफ कहा है कि वो समर्थन करते हैं व्यापारियों का, क्योंकि व्यापारियों को दबाने की कोशिश की जा रही है। अब 100 रिलायंस के शोरूम जो यहाँ जम्मू में खोले जा रहे हैं, ये छोटे से छोटे व्यापारी को खत्म करने की कोशिश और षड्यंत्र रचा जा रहा है। और ये रचने वाले कोई बाहर के लोग नहीं, ये हमारे जम्मू कश्मीर की बीजेपी भाजपा सरकार है जिसको हमने जम्मू से भगाना है और आम जनता को, आम व्यापारी को, आम वर्ग को बचाना है। और हमारी जो आम आदमी पार्टी का सहयोग रहेगा वो आम व्यापारियों के साथ रहेगा, आम व्यापारी शाना, आम व्यापारियों के साथ आम आदमी पार्टी शाना बशाना खड़ी रहेगी हमेशा। और आने वाले कल में आम आदमी पार्टी यहाँ सरकार बनाकर इन लोगों को सबक सिखाएगी। दर्शकों, एसओपी में थोड़ा सा बदलाव किया गया है और राहत भी मिली है। अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में लोग बड़े अवेयर हैं और अपने बच्चों को कंसेंट देकर कर कॉलेजेस में भी भेज रहे हैं। पहले हम कॉलेजेस का दृश्य दिखाते हैं, कॉलेज की मैनेजमेंट क्या कहती है और साथ ही साथ स्टूडेंट में कितना उत्साह है कि उनके ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगे, क्योंकि ऑनलाइन से कहीं ना कहीं नेट की दिक्कत आती थी और कुछ क्वेरीज वो डायरेक्ट पूछ नहीं पाते थे, लेकिन अब ऑफलाइन होगी, स्टूडेंट्स टीचर्स के साथ सीधा संवाद कर पाएंगे। तो हमने जो कोविड प्रोटोकॉल है उसकी कंप्लायंस के लिए सरप्राइज इंस्पेक्शन किया है। इसमें कई जगह पर वायलेशन पाया गया है और वो ऐसी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स जो कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रही हैं और जो दूसरों की जिंदगियों के साथ खेल रही हैं, उन सभी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स को सील किया गया है। और मैं ये सभी से मोतबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि कोविड प्रोटोकॉल स्ट्रिक्टली फॉलो करें, मास्क पहने, और अगर जैसे मेडिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं थर्ड वेव की प्रेडिक्शन है तो उसके चलते पूरे जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें 50% केसेस सिर्फ जिला श्रीनगर से आ रहे हैं। श्रीनगर शहर में काफ़ी जगह पर हमने खुद और आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की वायलेशन हो रही है। आज मैं और DC श्रीनगर हम इकट्ठे निकले थे, हमने मार्केट एरियाज में कुछ दुकानें भी सील की हैं जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं फॉलो कर रही हैं। मेरी सबसे यही गुजारिश है कि अगर आप कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करोगे तो आने वाले दिनों में हमें सख्त कदम लेने पड़ेंगे। दर्शकों, स्लैड हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल कंफ्यूज्ड है कि आखिर पेरेंट्स बच्चों को कंसेंट देंगे तभी वो आएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल के स्टाफ को पूरी तरह से वैक्सीनेशन लग चुकी है, लेकिन जब हम बात करते हैं स्टूडेंट के वैक्सीनेशन की, जब हम बात करते हैं कि कंसेंट पेरेंट्स की चाहिए, तब वो कंसेंट उनको नहीं मिल पाती और यही दिक्कत आ रही है। बच्चों ये बोलते हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूल में आए, बच्चे अपने हमारे हाईली क्वालिफाइड स्टाफ है उनसे आके पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम बच्चों के होने हैं और हो भी रहे हैं। देखो बच्चों को बड़ा लॉस हो रहा है, ये ऑनलाइन बच्चे करते हैं, लेकिन गांव है ना, गांव में हमारे में तो मीडिया का वो नहीं है, इतना वो नहीं है जिससे बच्चे रह जाते हैं पीछे। जो ऑफलाइन पढ़ाई होती है बच्चे आके पूछते हैं, ऐसे आ रहे हैं, लेकिन कुछ रेशो है ना, जो बच्चे खुद इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट शो करते हैं, वो बच्चे आते हैं पूछने के लिए। सारे बच्चों को इसका बेनिफिट नहीं हो रहा ऑनलाइन का ना, क्योंकि गांव में ये बड़ी बहुत बड़ी एक मेजर प्रॉब्लम रही है मेरे हमारे स्कूल में। दर्शकों, डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर इन दिनों में सुर्खियों में है। वजह साफ है कि वहां पर जो फेक लोगों ने राशन कार्ड बनाए हुए थे उस फेक राशन कार्ड पर अब राशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि आधार के साथ लिंक कर दिया गया है और लिंक करने के साथ करीब 250 ऐसे फेक जो कार्ड बने हुए थे राशन कार्ड वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं डीलर्स की, डीलर्स को परेशानी हो रही है। डीलर्स का कहना है कि उपभोक्ता लंबे समय इंतजार करते हैं क्योंकि बायोमेट्रिक सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है, केयू का अंगूठा नहीं लगता, उनको घंटों इंतजार करना पड़ता है और टाइम पर
उनको कमीशन नहीं मिल रही है, जिसको मार्जिन कहते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब हमारे पास कस्टमर आता है तो सारे कस्टमर जो है जवान भी है, बीच में बूढ़े भी हैं, जिनका थम ऑपरेशन नहीं लगता है, उनको बेचारों को वो एक एक घंटे के बाद उसका नंबर आता है तो उसको हम राशन के लिए जवाब दे देते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसका कोई मसला हल किया जाए। कई नौजवानों का भी जो फिंगर जोड़े हैं इस पर हमारी मीटिंग का लगता, तो हमारा ये है डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि इनका भी कुछ बंदोबस्त किया जाए। दर्शकों, हमने डायरेक्टर डॉक्टर नसीम जावेद चौधरी से विस्तार से बातचीत की और उन्होंने डिटेल में बताया कि डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। तो दर्शकों, आज के हमारे खास मेहमान है डॉक्टर नसीम जावेद चौधरी, जो डायरेक्टर सीएपीडी। डॉक्टर साहब का स्वागत है। थैंक यू। ये महकमा इतना इम्पोर्टेंट है कि सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शिकायतों का भी अंबार बना रहता है। लोगों की ये शिकायत है कि हम जब आधार के साथ लिंक करते हैं, सिस्टम तो बड़ा फूल प्रूफ कर दिया आपने कि बायोमेट्रिक सिस्टम होगा, लेकिन 2-3 महीने लग जाते हैं जब आप लिंक करवाते हैं, और आपको पता है कि सरकारी राशन वही लेता है जो गरीब गुरबा होता है। इस समस्या का कैसे हल हो सकता है? देखिए सर, जैसे आपने खुद ही बताया कि राशन कार्ड जो है वो कंपलसरी, राशन कार्ड के साथ आधार जो है कंपलसरी कर दिया गया है। राइट। मैं आपको बताऊं, नफ्सा एक्ट यहाँ पे 2016-17 में हमारी स्टेट में लागू किया गया जी। तो उसी वक्त से कंपलसरी किया गया कि जितने भी हमारे राशन कार्ड होंगे उनके साथ आधार जो है वो लिंक करेंगे जी। फर्स्ट फेज में राशन कार्ड जो है वो लिंक किया गया आधार के साथ, उसका मतलब ये हुआ कि जितने भी राशन कार्ड के मेंबर हैं उनमें से एटलीस्ट एक हो, प्रेफरेबली हेड ऑफ द फैमिली जो है वो आधार के साथ लिंक किया गया। आस्ता आस्ता उसके बाद ऐसा हुआ, तो एक साल के बाद 6 महीनों के बाद ये कंपलसरी किया गया कि जितने भी मेंबर्स हैं उस राशन कार्ड में, मतलब हमारे पास जितने भी बेनिफिशरीज हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, वो कंपलसरली लिंक होने चाहिए आधार के साथ, ताकि उनको हैसल फ्री तरीके से राशन मिले। वो आधार लिंक करने का मेन पर्पज़ ये था कि बहुत सारी जगह पर डुप्लीकेसी है। जब हमने आधार लिंक करना शुरू किया था तो जम्मू डिवीज़न में 2.5 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो डुप्लीकेट थे, तो आधार लिंक करने से वो नंबर जो है वो एग्जैक्ट कम होता गया, जो डुप्लीकेट नंबर थे वो डिलीट होते गए। राइट। तो आज की डेट में मैं बताऊं, हमारे यहाँ पे 2 किस्म के बेनिफिशरीज हैं। एक जिनको हम बोलते हैं नफ्सा बेनिफिशरीज, जिसमें AAY लोग आते हैं जो पोअरेस्ट ऑफ द पोअर हैं, और दूसरे हैं PHH प्रायोरिटी हाउस होल्ड, जिसको हम पहले BPL बोलते थे। तो यही नफ्सा एक्ट में यही प्रायोरिटी ग्रुप है जिसमें AAY और PHH है। उसमें हमारे पास करीब 7.5 लाख राशन कार्ड हैं, जिसमें करीब 27 लाख से कुछ ज़्यादा जो लोग हैं वो हमारे पास बेनिफिशरीज हैं, और उस 27 लाख और 27,000 बेनिफिशरीज हैं, और 27 लाख 27,000 में से 27 लाख और 21,000 प्लस बेनिफिशरीज जो हैं जो आधार के साथ लिंक किए गए। कहने का मतलब यह है कि 99.8% बेनिफिशरीज हमारे ऐसे हैं नफ्सा ग्रुप में जो आधार लिंक हैं। दूसरा ग्रुप है नॉन नफ्सा, जो हमारा प्रायोरिटी नहीं है, नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड है, जिसको APLB बोलते हैं। उसके भी हमारे पास लगभग 4.5 लाख राशन कार्ड हैं, जिसमें कोई लगभग 17.5 लाख बेनिफिशरीज हैं। इन 17.5 लाख बेनिफिशरीज में से भी लगभग 14.5 लाख बेनिफिशरीज जो हैं वो आधार लिंक हैं। ये करीब 82+83% के आसपास बनता है जो हमारे आधार लिंक हैं। तो कुल मिला के हमारा जो ये आधार लिंकिंग का प्रोसेस है, ये पिछले 5 सालों में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। इस साल हमने 99.8% पे नफ्सा वाले लाए हैं और 82-83% पे नॉन नफ्सा वाले लाए। इसलिए आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, तो मैं इसी का फ़ायदा लेते हुए पहले तो मैं पब्लिक से ये अपील करूँगा, जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो भी हमारे साथ जल्दी जल्दी अपना आधार लिंक करें, ताकि हम आपको सर्विस करने में हमें भी परेशानी ना आए और आपको भी फैसिलिटेशन हो जाए।
अब आपका जो मेन क्वेश्चन था कि दो महीने लगते हैं उसमें उसको कम कैसे किया जाए, उसमें एक प्रोसेस है, बेसिकली ऑल इंडिया लेवल पे एक प्रोसेस है, ये सेंट्रली ऑपरेटेड प्रोसेस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिनिस्ट्री जो है वो खुद इसको रेगुलेट करती है थ्रू NIC। तो इसमें ऐसा है कि अगर हम 15 तारीख से पहले पहले इसको अपलोड करते हैं तो इसमें फिर भी लगभग एक महीना लग जाता है इसको एक्टिवेट होने में। अगर 15 तारीख के बाद हम इसको करते हैं, आधार लिंक करते हैं, तो इसमें 1.5 महीने या 1.5 महीने से ज़्यादा का टाइम है, 2 महीने तक का टाइम लग जाता है इसको एक्टिवेट होने में। उसके पीछे लॉजिक ये है कि जब हम अगले महीने की एलोकेशन करते हैं, फूड एलोकेशन जो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है जी, वो हमें 15 तारीख को कर देती है। मान लो आज की डेट में, आज सितंबर का महीना है, 20 तारीख है, अगर हमने आज किसी को लिंक किया जी, आधार लिंक किया, तो चूंकि अगले महीने की एलोकेशन पहले ही हो चुकी है, वो 15 तारीख को या 16 तारीख को हो जाती है, तो एलोकेशन के हिसाब से वो बंदा जो हमने आज लिंक किया वो 15 तारीख को हमारे डेटाबेस में नहीं था। तो इसलिए जो एलोकेशन 15 तारीख को हुई वो उनके हिसाब से हुई जितने बेनिफिशरीज हमारे डेटाबेस में थे। अगर ये नंबर हमारा बढ़ता है 15 तारीख के बाद जी, तो दोबारा से तो उनके लिए एलोकेशन नहीं होती है कि ये एलोकेशन तो अगले महीने की 15-16 तारीख को जाके होगी। लेकिन डॉक्टर इसका इसका आपको नहीं लगता कि इसका वे ऑफ निकालना चाहिए, जो BPL होगा या NAFSA के अंडर आएगा वो वाकई में गरीब होगा एक महीने से? नहीं, BPL वाले देखें, BPL वाले लगभग 100% हमारे पास जो है वो लिंक है। BPL में कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है, जम्मू डिवीजन की कोई परेशानी नहीं है, थोड़े बहुत हैं कुछ, मतलब 2-3 हज़ार ऐसे जम्मू डिवीज़न के कार्ड हैं जो लिंक नहीं, कार्ड नहीं बल्कि बेनिफिशरीज हैं जो लिंक नहीं हैं, उनमें से मोस्टली जो हैं वो कुछ है डुप्लीकेट ही हैं, क्योंकि आज तक हमें NAFSA कैटेगरी में, BPL में या AAY में हमारे पास ऐसा कोई भी कंप्लेंट नहीं है कि किसी BPL या AAY को राशन नहीं मिलता या कोई लिंक नहीं है, वो हमारे पास ऑलमोस्ट 100% लिंक हैं। अब ये जो इशूज़ आ रहे हैं ये अभी NPHH में आ रहे हैं। NPHH में मसला, असल जो बात ये है, बेसिकली ये लोग राशन उतना ज़्यादा नहीं लेते हैं, 50-60% लोग राशन लेते हैं, इसलिए जो लोग राशन लेते हैं वो तो हमारे पास अपडेट है ही हैं, उनका हमारे पास आधार लिंक भी है, हमारे पास 83% आधार लिंक्ड है NPHH वाले। जो बाकी वाले बचते हैं ये आज की डेट में इसलिए बोल रहे हैं, राशन कार्ड की रिक्वायरमेंट इनको इसलिए नहीं है, राशन इनको लेना है, राशन इनकी रिक्वायरमेंट मोस्टली नहीं है, इनको दूसरी जगहों पे जब राशन कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ती है जी जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट में इनको आयुष्मान कार्ड लेना है या किसी और जगह लेना होता है, कोई गाड़ी लेता है तो नंबर लगाने के लिए उसको राशन कार्ड की रिक्वायरमेंट है, तो उस वक्त जब उनको राशन कार्ड मांगते हैं फिर उनको याद आती है कि हमारा राशन कार्ड हमें नहीं मिला है, तो एक्टिवेशन के लिए आते हैं, उसमें 1.5 महीना 1.5 महीना या 2 महीने लगते हैं। ये तो प्रोसेस सेंट्रली बैक्ड एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस बिल्कुल अच्छा है, 2-4 साल से कोई परेशानी नहीं आई है। जो ये लोग राशन कार्ड की आज कंप्लेंट कर रहे हैं, हम तो इनको 5 साल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमने बहुत सारे कैंप्स सेमिनार्स इनके एरियाज़ में भी कंडक्ट करवाए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कराया, हमने DDC चेयरपर्सन जो हैं उनके थ्रू रिक्वेस्ट करवाई, PRIs के डिफरेंट लेवल के जो इंस्टीट्यूट हैं हमने उनको भी रिक्वेस्ट की है, हमने ऑनरेबल काउंसलर साहिबान को और इवन जो हमारी म्यूनसिपल्टी की जो हेड यहाँ पे टीम है जम्मू में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, उनके थ्रू हमने रिक्वेस्ट की है, वो भी बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारा हमें कोऑपरेशन भी दे रहे हैं। उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो 10% 15% है जो हमारे साथ डायरेक्टली लिंक नहीं है, क्योंकि उनको राशन नहीं चाहिए होता है, क्योंकि हमारे साथ डायरेक्टली लिंक वही होते हैं जो राशन लेते हैं, जिनको राशन चाहिए जी इसलिए कुछ लोग जिनको राशन कार्ड किसी दूसरे पर्पज के लिए चाहिए होता है वो कहते हैं आज आए और हमें कल राशन कार्ड मिल जाए। जी डॉक्टर साहब, दिलचस्प सवाल ये है कि इस सारे प्रोसेस में डिपार्टमेंट को कितना बेनिफिट हुआ, जब 2.5 लाख फेक आप कार्ड जो है आइडेंटिफाई हुए हैं, कितना डिपार्टमेंट को कितना बेनिफिट हुआ? हर एक बंदे को 5 किलो राशन मिलता है, अगर 2.5 लाख लोग जो थे डुप्लीकेट थे, 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाई 5 कर लें जी, है ना, 25 मल्टीप्लाई बाई 5 जब करेंगे तो लगभग कोई 12.5 लाख किलो जो है लगभग एक टन से ज़्यादा का जो राशन है वो हमें बच जाता है, वो बचेगा, उसमें भी सेफ्टी है, फिर उसके ट्रांसपोर्टेशन पे जो खर्चे होते थे वो भी बच जाते हैं, ये तो डिपार्टमेंट के लिए फायदा है, ये बल्कि अल्टीमेटली पब्लिक के लिए फायदा है, वो भी बचती है, कमीशन जाते थे वो भी बचती है, जी जितने भी इसके साथ अलाइड खर्चे होते थे वो सब बच, वो सारे बच जाते थे जी। तो लेकिन डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि क्वालिटी को इम्प्रूव करने की जरूरत है? क्योंकि अक्सर ये शिकायत आती है कि फार फ्लंग एरियाज में
आटा या राइस जो दिया जा रहा है उसकी क्वालिटी जैसी होनी चाहिए वैसी है नहीं? देखिए, क्वालिटी की जहाँ तक बात है, ये मैं आपको इसका प्रोसीजर बताऊँ। हम जितना भी राशन लेते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कॉरपोरेशन है जी, मतलब गवर्नमेंट से हम लेते हैं राशन। और जब वो राशन हमें देते हैं उनका इंटरनल चेक सिस्टम जो है क्वालिटी के लिए बड़ा अच्छा है। वो प्रॉपर पहले डिफरेंट लैब्स में लेके वो चेक करते हैं बिफोर प्रोक्योरमेंट कि जो ये राशन है ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए ठीक है या नहीं है। जब उस टेस्ट से, क्वालिटी टेस्ट से वो पास होते हैं तो इसीलिए वो राशन जो है वो थ्रू आउट इंडिया भेजते हैं डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो हमें भी नेचुरली वही राशन मिलता है जो क्वालिटी टेस्ट जो है उनका पास करके आता है जी। और उनकी चाहे वीट है चाहे राइस है, कोई भी कहीं से भी कोई कंप्लेंट नहीं है कि वो ठीक नहीं है। हाँ, एक बात होती है, उनकी एक स्कीम ऐसी भी है कि लोकल जब प्रोड्यूस होती है किसी भी स्टेट में तो लोकल प्रोड्यूस उनको ख़रीदनी है और लोकल प्रोड्यूस ख़रीद के उसी इलाके में उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करनी है। उसी पॉलिसी के चलते इस साल इन्होंने, दो चार सालों के बाद इन्होंने क्या किया, जम्मू में जो लोकल प्रोड्यूस हुए थे राइस चावल वो इन्होंने ख़रीदे और यहाँ लोकल ही बेचे भी। जब वो लोकल चावल जो है, यहाँ पे बासमती भी है और मोटा चावल भी है, मोटा चावल तो लोग शायद यहाँ जम्मू में ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते, और ये बासमती पसंद करते हैं। तो अब जब लोगों को हम यहाँ का ही लोकल चावल इन्होंने दिया तो इन्होंने कहा नहीं, ये वाला चावल हम नहीं लेंगे, हमें थोड़ा बासमती टाइप का चावल दिया जाए। अब 2 रुपये में वो तो पॉसिबल है नहीं। दूसरी बात ये है, इनका टेस्ट, हमें एक कंप्लेंट आई थी, हमने उसका बाकायदा टेस्ट करवाया, ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी लेबॉरेटरीज हैं, हमने 4 सैंपल उठाए और 4 सैंपल उनको भेजे, टेस्ट करवाए और 4 के 4 सैंपल पास हो गए। तो ऐसा कोई नहीं है कि कोई क्वालिटी वाइज ख़राब है, क्वालिटी 100% ठीक है। फिर हमने FCI के साथ टेकअप किया, उन्होंने अपने लेवल पे भी टेस्ट करवाया, वो भी क्वालिटी वाइज पूरे बिल्कुल ठीक निकले। तो क्वालिटी की कोई परेशानी नहीं है ना वीट में। वीट तो वन ऑफ द बेस्ट वीट इन इंडिया है जो FCI हमें देती है, उसमें कोई परेशानी नहीं। हाँ, जब आटे की बात है, आटे में ये होती है कि आटा जब बना के आते हैं बहुत सारा क्वांटिटी बड़ी ह्यूज होती है और जम्मू में बरसात के टाइम पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। उस ह्यूमिडिटी से ये होता है अगर स्टोर में एक दिन भी वो रहता है तो नीचे नीचे वाले जो बैग होते हैं उसमें थोड़ा ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण उसमें लंप थोड़े से बन जाते हैं। उस केस के लिए भी हमारा एक प्रोसीजर है, क्वालिटी वाइज तो वो बिल्कुल ठीक होते हैं क्योंकि उनके भी टेस्ट होते हैं। अब चूंकि लंप बन जाते, नेचुरल एक प्रोसेस है, ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी को हम कुछ कर नहीं सकते। जम्मू में हर जगह बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी है, सब जानते हैं। तो उस लिए क्या होता है कि जब हम वो राशन डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं, अगर हमें स्टोर में ये लगता है नहीं ये राशन ठीक नहीं है, लंप बन गए हैं ज़्यादा, तो वो इमिजिएटली वो आटा हम वापस भेजते हैं उस मिल को एट द कास्ट ऑफ द मिल। उसको ट्रांसपोर्टेशन में जितना खर्चा आएगा, आने लाने और ले जाने में, वापस ले जाने में, वो मिल वाला खुद उसको खर्चना होता है और वो आटा हमें रिप्लेस करके देता है अपनी कीमत पे। तो इसलिए ऐसा नहीं, हमारे पास 100% क्वालिटी का चेक है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम किसी को ख़राब क्वालिटी वाला राशन पब्लिक को कहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने अपने कैरियर में बहुत मरतबा ये खबर लिखी है कि ईद के मौके पर चीनी दी गई, दिवाली के मौके पर चीनी नहीं रिलीज़ की गई, कैरोसिन ऑयल, ये सारी चीज़ें आप CAP से गायब हो गई हैं। नहीं, ऐसा नहीं, देखो एक पॉलिसी शिफ्ट होता है। आज की डेट में हमारे पास जो पॉलिसी है, आपको पता ही है, 3 किस्म की स्कीमें हैं। एक है PMGKY जिसमें फ्री राशन दिया जा रहा है, कोरोना के टाइम में शुरू हुआ था और पिछले 5 महीने से लगातार, 7 महीने से बल्कि हो गया, नवंबर तक चलेगा, दिवाली तक ये राशन फ्री राशन दिया जा रहा है 5 किलो पर हेड। ठीक है, इसमें आटा, जम्मू में आटा भी दिया जाता है लेकिन मोस्टली वीट और चावल दिया जाता है, वीट और चावल दिया जाता है फ्री में दिया जाता है। दूसरी स्कीम है नफ्सा, जिसमें अगेन वीट और चावल दिया जाता है लेकिन कुछ जगहों पे वीट की बजाय जम्मू डिवीज़न में आटा भी देते हैं। उसमें 2 रुपये वीट का रेट है, 3 रुपये आटे का रेट है और 3 रुपये ही चावल का रेट है। फिर एक हमारी अपनी स्कीम है FES, फूड एंटाइटलमेंट, J&K फूड एंटाइटलमेंट स्कीम, उसका रेट जो है वो 12 रुपये, 13 रुपये और 15 रुपये है। 12 रुपये वीट है, 13 रुपये आटा है और 15 रुपये चावल है। तो उसके साथ हमारी एक स्कीम है शुगर की, जो आपने शुगर का मेंशन किया, शुगर हम देते हैं सिर्फ AAY को, क्योंकि हमारे पास AAY का जो जम्मू डिवीज़न में पूरा नंबर है फैमिलीज़ का वो है 79,000 करीब, 78,000 प्लस है, 79,000 राउंड फिगर में हमारे पास नंबर है। उनको हम एक महीने की एक राशन कार्ड पे 1 किलो चीनी देते हैं। ये सोल्स हैं या फैमिलीज़? फैमिलीज़, फैमिलीज़। ओके, 78,000 फैमिलीज़।
78,000 प्लस से 79,000 हम कहते हैं, राइट। 79,000 फैमिलीज को पर फैमिली एक किलो चीनी मिलती है पर मंथ, और इनको क्या होता है कि अब हम एक क्वार्टर की चीनी इकट्ठी ही देते हैं एक बार, मतलब तीन महीनों की चीनी एक ही बार देते हैं, तो तीन महीनों की तीन किलो चीनी उनको मिलती है। ए वाई को छोड़ के किसी को चीनी की कोई एंटाइटलमेंट है नहीं, कोई स्कीम आज की डेट में नहीं है जो बीपीएल को या एपीएल को, मतलब पीएचएच या एनपीएचएच को चीनी की एंटाइटलमेंट नहीं है, पहले होती थी अब नहीं। अब रहा मसला आपने कैरोसिन ऑयल की बात की, कैरोसिन योजना आई है जी जी, जब उज्ज्वला योजना आई और उजाला योजना, ये दो योजना है, उजाला में बिजली और उज्ज्वला में एलपीजी कनेक्शंस, तो उस स्कीम को लाने के लिए जो फ्री में एलपीजी कनेक्शंस देने थे उसके पीछे कारण ये था, एसेंस ये था कि जब हम उज्ज्वला योजना में सबको फ्री देंगे एलपीजी, एलपीजी देने से ये होगा कि जो क्लीनर फ्यूल है वो लोगों को प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि कैरोसिन पे लोग खाना पकाते थे या चूल्हे पे लोग खाना पकाते थे, उससे बहुत सारे हेल्थ हैजर्ड्स होते थे, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इतने हमारी महिलाएं जो हैं खासकर वो जुड़ी होती हैं, उनको हेल्थ हैजर्ड से बचने के लिए क्लीनर फ्यूल प्रोवाइड किया जाए। अब जब क्लीनर फ्यूल, जिस डिस्ट्रिक्ट में क्लीनर फ्यूल की पेनिट्रेशन 100% होगी, मतलब एलपीजी की पेनिट्रेशन 100% होगी, वहाँ तो कैरोसिन ऑयल देने का कोई जवाब ही नहीं बनता, तो इसलिए जम्मू डिवीज़न के जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें एलपीजी की पेनिट्रेशन कंप्लीट हो गई थी, और 3 डिस्ट्रिक्ट में एलपीजी की पेनिट्रेशन कंप्लीट नहीं हुई थी, तो इसलिए जो 7 डिस्ट्रिक्ट विद 100% कवरेज ऑफ एलपीजी उनको तो कैरोसिन ऑयल ज़ीरो किया गया, कैरोसिन ऑयल से फ्री किया गया, और बाकी वाले 3 डिस्ट्रिक्ट जिसमें एक रियासी, रामबन और किश्तवाड़ है, उसमें भी रियासी और रामबन में पिछले 2-3 महीनों से लोग तेल की डिमांड ही नहीं करते, हमने उनको थोड़ा थोड़ा तेल पिछले महीनों में एलोकेट किया था, लेकिन किसी ने लिफ्ट नहीं किया, किसी ने नहीं लिया, तो इसलिए वो तेल वापस चला गया, हमने तेल नहीं लिया। अब रामबन और रियासी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी चूंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बेशक वहाँ एलपीजी की पेनिट्रेशन अभी 100% नहीं हुई, थोड़ा सा स्कोप है, अब उज्ज्वला योजना 2 आई है उसमें उनको कंप्लीट कर दिया जाएगा। फिर एक किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है जिसके कुछ फार फ्लंग एरियाज हैं, स्नो बाउंड एरियाज हैं, जहाँ अभी एलपीजी की पेनिट्रेशन भी पूरी नहीं है, वो 6 महीने के लिए वो कट ऑफ रहते, सिर्फ वो एरिया हैं जैसे दक्षिण है, पाडर है, मड़वा है, वारवन है, उन एरियाज़ में थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट होती है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, एक गाड़ी लगती है उन पूरे 4 तहसील में, तो एक गाड़ी छोटी। डॉक्टर साहब अब आने वाले दिनों में स्नोफॉल भी होगा, काफ़ी सारे एरिया कट जाते हैं, वहाँ पर सप्लाई रिस्टोर रहे, डिपार्टमेंट क्या सोचता है? जी मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, हमारे पास जो कट ऑफ एरिया रहने वाले हैं वो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में, एक 4 तहसील हैं हमारी, दक्षिण, पाडर, मड़वा और वारवा, ये 6 महीने कट ऑफ रहता है, इस 6 महीने के लिए जितनी भी सप्लाई होती है वो हम एडवांस में डंपिंग कर देते हैं, जैसे हमने एडवांस में एलोकेशन उनकी कर दी हुई है, 15 या 20 दिन हो चुके हैं हमने उनकी एलोकेशन कर दी हुई है, वहाँ लिफ्टिंग भी जारी है और वहाँ पे राशन जो है वो पहुँचाया जा रहा है, बाई 10th of October हम उसका सारा राशन जो ड्यू है अगले 6 महीने का वो सारे का सारा वहाँ हम डंप कर देंगे, तो इसलिए हमें वहाँ पर राशन पहुँचाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हम एडवांस में ही उनको दे देंगे। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल आपसे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर के भी डिपार्टमेंट सोच रहा था कि यूथ को कुछ गवर्नमेंट डिपूज दिया जाए, वो स्कीम कहाँ पहुँची है? इस यूथ को गवर्नमेंट डिपू, 2 चीज़ें हैं, एक गवर्नमेंट सेल डिपू एक अलग चीज़ है और फेयर प्राइस शॉप एक चीज़ है, पर्पस दोनों का सेम ही है, मतलब राशन ही लोगों को देना। गवर्नमेंट सेल डिपू और फेयर प्राइस शॉप जो है उसमें मेन डिफरेंस ये है कि गवर्नमेंट सेल डिपू में गवर्नमेंट एम्प्लॉई चलाता है, सेल करता है, और फेयर प्राइस शॉप में एक प्राइवेट आदमी डील करता है। तो अभी एक नई पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट के पास है, वो नई पॉलिसी अभी बन रही है, अभी उसमें क्या बन रहा है वो तो अभी कबल अज़ वक्त बताना ठीक नहीं रहेगा, जो ही वो पॉलिसी बन जाती है, पब्लिक डोमेन में आएगी, तो उससे होपफुली जो आपका ये अंदेशा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, वो उसमें इंशाल्लाह वो पूरा हो जाएगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, मुझे दीजिए इजाजत।